हेलो गाइस, तो नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही खतरनाक हम चीज़ बनाने वाले हैं गाइस। पूरा सोल्डिंग आयरन रखने का पूरा फुल व्यवस्था उसमें होगा, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा। और बहुत दिनों बाद वीडियो आ जा रही है, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करके कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से बिना देरी को इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस देख सकते हो, यहाँ पर मैं एक लकड़ी का गुटका यूज़ कर रहा हूँ गाइस। ये बहुत ही छोटा है, आप इससे बड़ा भी यूज कर सकते हो, अपने हिसाब से छोटा बड़ा आप मैनेज करके यूज कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में हम बहुत ही पावरफुल देख सकते हो सोल्डिंग आयरन, पूरा फुल व्यवस्था इसमें रहेगा गाइस, सब चीज़ इसमें आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो एक स्टैंड है सोल्डिंग आयरन को रखने के लिए। ये आप साइकिल का स्पोक होता है गाइस, उससे भी आप इसे बेंड करके इस तरह बना सकते हो। या आपके पास स्प्रिंग होता है मोटरसाइकिल का में आता है गाइस स्प्रिंग, उसका भी यूज कर सकते हो। या आपके साइकिल वगैरह में भी सीट में भी स्प्रिंग आता है, उसका भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ड्रिल मशीन से इसे होल करके फटाक से इसे हम कस लेते हैं। तो आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो आप किसी भी पैक्चर्स या प्लास की मदद से मतलब इसे ठोक कर इजिली कटिंग कर सकते हो, कील के मदद से भी। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैंने सारा यहाँ पर होल कर लिया है, बहुत ही अच्छे से होल कर लिया है। यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर ले रहा हूँ गाइस, स्क्रू ले रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग इसका आ गया है और इसे हम यहाँ पर कस देंगे। तो कसना बहुत ही ईजी है गाइस, नट बोल्ट इसमें लगाना है, बस काम हो गया। तो ऐसे आपको सारा मतलब इसका मतलब बढ़िया से अच्छे से आपको टाइट कर लेना है, वरना आप सोल्डिंग रखेंगे तो इधर उधर भागेगा। तो आपको पिलास या पैक्चर्स की मदद से इसे टाइट कर लेना है और अपने हिसाब से देख लेना है एडजस्ट कहाँ हो रहा है इसका, उस टाइम मतलब वैसे आपको कर लेना है। बहुत ईजी हो चुका है ये। अब हम चलते हैं दूसरे पे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स ले रहे हैं, आपको बता दूंगा क्यों ले रहा हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो गाइस ये फ़ैन मैंने कुछ दिन पहले वीडियो इसका बनाकर डाला था, तो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो गाइस इसके जगह एग्जैक्ट फैन का भी यूज कर सकते हो, जैसे हमारा धुआं सोल्डिंग आयरन का आँख में चल जाता है गाइस, तो उसे हटाने के लिए इसका मैं यूज कर रहा हूँ। एग्जैक्ट फैन हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हो, और थोड़ा ऊंचा करने के लिए वो पीवीसी पाइप का मतलब यूज कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ पर कस लिया है, और एक छोटा सा यहाँ पर बॉक्स भी कस लिया उसके साइड में ही, देख सकते हो गाइस बहुत ही छोटा बॉक्स है उसमें। और यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही छोटा जो कापर निकलता है वायर हमारे ख़राब ट्रांसफार्मर या किसी भी चीज़ में, आप देख सकते हो होम मेड गाइस है, बहुत ही सस्ते में बनाकर दिखाने वाला हूँ गाइस। आपको कोई भी सामान आपको मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर देख सकते हो एक यहाँ पर फोम था मेरे घर में, पुराना पड़ा था बहुत दिनों से, तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। उससे पहले यहाँ पर इसे सेफ्टी भी देना ज़रूरी है, तो यहाँ पर मैं एक बॉक्स का यूज करूँगा छोटा सा। यहाँ पर देख सकते हो गाइस इस बॉक्स में बहुत ही ईजिली फिट आ जा रहा है, तो इस बॉक्स को हमें भी इसमें होल करके ईजिली हमें फिक्स करना होगा। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, होल करके इसमें फिक्स कर देंगे। और साइड में गाइस यहाँ पर एक सैंड पेपर लगाएंगे, जिससे हमारा सोल्डिंग आयरन घिस के हम इसे, जैसे सोल्डिंग आयरन नहीं होता है तो उसे घिस देंगे उस पर, तो ईजिली और चमकने लगेगा और सोल्डिंग आयरन अच्छे से होगा। तो देख सकते हो गाइस इस टाइप का कुछ हमें इसमें फिक्स करना है। और रंगा और ग्रीस का जो होता है हमारा पेस्ट, उसका भी हम यूज करेंगे, अभी आपको बताऊंगा, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और यहाँ पर देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ पर होल करके अच्छे से लगा लिया है, आपको भी ऐसे ही लगा लेना है। और यहाँ पर देख सकते हो फेवक्यूब की मदद से आप इसे चिपका सकते हो। फिलहाल में मेरा गाइस मेरा फेवक्यूब ख़त्म हो गया है मेन टाइम पर, तो मैं इसे चिपका नहीं रहा हूँ, फेवक्यूब ख़त्म होने के कारण नहीं चिपका सकता। तो आप दूसरा चीज़ भी यूज कर सकते हो, फिलहाल में मेरे पास गोद है लेकिन वो तुरंत नहीं चिपक पाएगा, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मतलब लंबा हो सकता है। तो ऐसे आपके पास फेवक्यूब है तो चिपका सकते हैं। वहाँ पर मैंने सैंड पेपर भी अच्छे से लगा लिया हूँ, देख सकते हो। अब यहाँ पर देख सकते हो गाइस बहुत ही मस्त दिख रहा है। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर सोल्डिंग आयरन आपको क्या करना है, इसके अंदर रगड़ लेना है तो आपको अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। और आपके पास ये नहीं आता है तो गाइस आप अपने मम्मी से पूछकर बर्तन मजने का एक इसी टाइप का आता है, उसका भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर अपनी मम्मी से पहले पूछ लीजिएगा, उसके बाद वरना पिटाई बहुत पड़ेगी। तो यहाँ पर देख सकते हो बिना पूछे मैं यहाँ पर इस कापर का वायर का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पड़ा था ऐसे। और यहाँ पर देख सकते हो धुआं गाइस कितना ज़्यादा मेरे आँखों की तरफ आ रहा है, तो इसका भी यूज करके मैं अभी पंखों को मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। और यहाँ पर सैंड पेपर भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर सोल्डिंग आयरन बहुत ईजी स्टेपनर हो जाएगा। तो इस तरह आप एक सोल्डिंग आयरन रखने का फुल व्यवस्था के साथ आप बहुत ही मस्त बना सकते हो। तो
तो चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा आपको फ़ैन का भी टेस्टिंग करवा दूँगा, और इसके लिए मैं एक छोटा सा चार्जर ले रहा हूँ। तो गाइस प्रॉब्लम मेरे पास इसमें एक ही प्रॉब्लम आई गाइस, यहाँ पर जैसे ही मैंने मतलब इसमें लगा कर चेकिंग कर रहा था तो बीच में क्या हुआ ना, इसका ये टूट गया, अचानक इसका टूट गया। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये इसका पीछे सा टूट गया है, तो मैं इसका डायरेक्ट यूज करके आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। आप मतलब सोल्डिंग आयरन से अच्छे से सोल्ड कर लीजिएगा, या फिर मेरे पास लाइट नहीं है तो इमरजेंसी लाइट का यूज़ करके वीडियो बना रहा हूँ, लाइट आ जाता तो सोल्डिंग कर लेता, बट यहाँ पर लाइट नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस में से थोड़ा ट्राई करके ऐसे ही आपको दिखा देता हूँ। और सोल्डिंग आयरन गाइस अभी तुरंत लाइट भगा है 2-4 मिनट पहले, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत सोल्डिंग गर्म था तो उसका मैं यूज करके दिखा देता हूँ। फिलहाल में मेरे पास सोल्डिंग उतना भी गर्म नहीं है, बस थोड़ा बहुत गर्म है, तो आपको थोड़ा बहुत धुआं ज़रूर दिख रहा होगा। और यहाँ पर देख सकते हो गाइस जैसे ही पंखा चल रहा है साइड में धुआं पूरा चला जा रहा है, हमारे आँख में थोड़ा से भी धुआं नहीं आ रहा है गाइस। तो इस तरह आप अपने घर पर बिल्कुल आसानी से बना सकते हो और बिल्कुल कम खर्च में। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो कितना ये मतलब मज़ेदार हो गया है, तो ऐसे आप बना सकते हो और बहुत ही कम रेट में बनाए गाइस। तो जैसे मतलब आप मान सकते हैं 20 या 25 रुपये के आसपास में बन चुका है। हमारा इसमें क्या लगा है, बस मोटर लगा है और कुछ नहीं गाइस, मोटर के अलावा कुछ नहीं लगा है, सब हमारे पास कबाड़े से ही बना है। तो आप देख सकते हो गाइस कबाड़े से बहुत ही मस्त लगा है। तो गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।